इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक, इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव बार बार एहसास कराते हैं कि वे आदिवासियों के विरोधी हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे, उन्होंने महुआ बिनने वाली महिलाओं के से बात की, उनके दर्द को समझा। इस दौरान मोहन यादव जी ने कहा कि उनका अपमान किया। अभी चार दिन पहले मोहन यादव जब झाबुआ आए थे तो उन्होंने आदिवासियों को कहा कि आपको फोकट में अनाज हम देते हैं। मोहन यादव बार बार आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। मोहन यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। आदिवासियों के इस अपमान के लिए आदिवासी समाज उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी, उनका विचार और आदरणीय हमारे पर्ची के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, ये परंपरागत बार बार ये एहसास कराते हैं कि वो आदिवासियों के विरोधी हैं। अभी कुछ दिन पहले शहडोल में राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कुछ महुआ बिनने वाली बहनों से बात करी, उनका दर्द को समझा। महुआ से उनकी इनकम क्या होती है, क्या होता है महुआ से, वो प्रोसेस को पूछा और उन्होंने एक तरह से उनके जीवन में जो भी उनकी प्राचीन सभ्यता और परंपराएं उसकी बात की, तो मोहन यादव जी ने उसका अपमान किया। अभी चार दिन पहले मोहन यादव जी जब झाबुआ में आए, अलीराजपुर में आए संसदीय क्षेत्र में, तो उन्होंने आदिवासियों को कहा कि आपको फोकट का अनाज हम देते हैं, हमारी सरकार देती है। राम राज्य में जो फोकट का मिलता था वो अब हम भी आपको फोकट का देते हैं, यही तो राम राज्य है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।